नमस्कार, मैं बीनल, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। दिग्विजय सिंह का तेज, देश को लूट रही जुगल जोड़ी, मामूली बात पर आपस में भिड़े कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता, फायरिंग में युवक को लगी गोली, चुनाव क्या नगर आए, वोट के लिए बर्तन धोने लगे नेताजी। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी के साथ राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है, जहां एक ओर अपनी पार्टियों की वाहवाही कर दूसरी पार्टी पर तंज कसने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दिग्गजों की जुगल जोड़ी पर भी जमकर बयानबाजी की जा रही है। जिले की पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर है, लिहाजा दोनों ही राजनीतिक दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ताजा मामला पूर्व विधानसभा के बेलबाग इलाके का है, जहां मामूली बात पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। चुनाव में वोट मांगने के लिए प्रत्याशी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। अधिकांश प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों के पैर पकड़ रहे हैं, तो कोई बच्चों को कंधे पर उठाने से लेकर चाय बनाने से भी नहीं चूक रहे। ऐसे में इंदौर जिले की सावल सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार राजेश सोनकर जनसंपर्क के दौरान एक बर्तन धोती महिला के पास पहुंचे और उसके साथ बर्तन धोने लगे। विशेष रूप से जैसे जो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर में जिलों में अस्पताल के की बात की, उसका एक जीवन होता एक, एक, एक फोटो वायरल हुआ है आपका बर्तन मांगते हुए, क्या सच्चाई है? कल जन दर्शन के जनसंपर्क के दौरान जब मैं ग्राम महाराष्ट्र में गया था, वहाँ के जनसंपर्क के समय में। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।